आप देख रहे हैं BHBC News। ऐसे ही पेट्रोल डीजल की बात आई, आज स्थिति ये है पेट्रोल डीजल पे, पेट्रोल डीजल पे 100 रुपए में से बोल रहे हैं आज 100 रुपए में से 63 रुपए सरकार की जेब में जाता है अगर कोई पेट्रोल भरवाने जाए। और डीजल पे जो 2014-15 में जेटली जी के पहले बजट में 3 रुपए की एक्साइज ड्यूटी थी, आज वो 31 रुपए की एक्साइज ड्यूटी हो चुकी है। आपके पहले बजट में 75,000 करोड़ की कलेक्शन थी पेट्रोल डीजल रसोई गैस के सिलेंडर पे, आज इस बजट में वो 75,000 करोड़ से बढ़कर 3.5 लाख करोड़ की कमाई उसी जनता से आप कर रहे हैं और अच्छे दिन बता रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ आप उसका दर्द समझिए, उस बूढ़ी माँ का जिसने दिया जलाया था कोरोना में, आज उसके घर गैस सिलेंडर खाली पड़ा है, आज वो चूल्हे पे लकड़ी से रोटी जला रही है और उसके धुएं से उसकी आंख में आंसू निकल रहे हैं। बेरोजगारी एक और फॉलआउट है, बेरोजगारी देश की बेरोजगारी इतनी भयावह रूप ले चुकी है। आज हम जानते हैं NSSO के अनुसार 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, CMI के अनुसार 70 साल का बेरोजगारी का रिकॉर्ड इस साल पिछले जो वर्ष गया इसमें टूटा है। कोरोना में, केवल कोरोना में 12 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। डिमोनेटाइजेशन में 50 लाख अजीम प्रेम जी यूनिवर्सिटी का अनुसार था, उस समय 50 लाख लोग बेरोजगार हो गए। आपका 2 करोड़ रोजगार देने का वायदा था, यानी कि 7 साल में 14 करोड़ रोजगार मिलने चाहिए थे, इसके अनुसार तो जो है ये केवल इन दो कोरोना और डिमोनेटाइजेशन की वजह से 12.5 करोड़ रोजगार आपके कम हो गए। हर घर में एक बेरोजगार, आप कह रहे पकोड़े तलिए, मैं मानता हूं वो भी हो सकता है, मगर अगर हर घर में ही बेरोजगार है, हर घर में अगर कढ़ाई चढ़ा के पकोड़े तलने का काम होगा तो खरीदेगा कौन वो पकोड़े तलेंगे, और अगर खरीदेंगे नहीं तो अगले दिन के लिए बेसन और तेल का इंतजाम कैसे करेंगे। हर घर में बेरोजगारी। रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHBC न्यूज चैनल, साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन, साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।